युवा बंदूक में ढूंढ रहे हैं करियर। हजारीबाग में दो दिवसीय शूटिंग ओपन चैंपियनशिप टूर्नामेंट 12 जनवरी हजारीबाग के गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित एक शूटिंग क्लब में पहली बार ओपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। दो दिवसीय प्रतियोगिता में शूटिंग खेल में दिलचस्पी रखने वाले लगभग 100 प्रतिभागी हजारीबाग और आसपास के जिले से शिरकत कर रहे हैं। टारगेट में निशाना लगा रहे प्रतिभागियों का मानना है कि ऐसे टूर्नामेंट से नेशनल और ओलंपिक तक का सफर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, देश के सेवा के लिए नौकरी पाने में भी यह काम आ सकता है। और तो और, झारखंड सरकार द्वारा सरकार के एक साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में खेल और खिलाड़ियों को भी कई मौके देने की बात से युवा वर्ग आशान्वित नजर आ रहे हैं। आज के दौर में शूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, लड़के लड़कियों दोनों के लिए। और जैसा कि आज का जो ज़माना है वो लड़कियों के लिए शूटिंग बहुत ज़्यादा प्रेफर करने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोग सभी जानते हैं आज की इरा के बारे में। और रही बात की आज ये हजारीबाग में नया खुला है और इससे हमको भी फ़ायदा है। एक्चुअली मैं रांची से आई हूँ यहाँ सिर्फ शूटिंग के प्रैक्टिस के लिए। रांची में मेरा राइफल था लेकिन यहाँ पे पिस्टल के लिए स्पेशली मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आई हूँ। और ये जो ओपन गेम हो रही है इसमें कई डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं आयोजक का मानना है कि ऐसे आयोजन से खिलाड़ी को ना सिर्फ टेक्निक मिलता है बल्कि इस खेल में सबसे ज़्यादा मेडल भारत में ही आता है, इसलिए करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इन लोग का आपस में यही फायदे हो रहे हैं कि आगे का रास्ता एक निकलता है और प्लस एक दूसरे को टेक्निक मिलते हैं जिससे कि एक हौसला मिलता है कि आगे का लेवल का मैच वो खेल सके और उसको एक अच्छा टेक्निक के थ्रू अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होने के बाद स्टेट लेवल होने वाले देवघर में वो 21 और 22 को और 21 से 23 तक होने वाला है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लेंगे और जो बच्चे वहाँ क्वालिफाई करेंगे वो आगे के लेवल प्री नेशनल खेलेंगे। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।